नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काव्य में हरियाणा के प्रमुख कवि। देखिए, इस प्रश्न को आप जोड़कर लिख सकते हैं जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, जिसमें आपने पूछा है कि हरियाणा में कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य या राम काव्य से संबंधित जो साहित्य है उसके बारे में जो प्रश्न आता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पर हिंदी साहित्य के जो भक्तिकालीन कवि हुए हैं या भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हुए हैं, उन कवियों का हरियाणा से कहीं ना कहीं जुड़ाव या लगाव रहा है। तो आपने जो हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की विशेषताएं की है, जो राम काव्य या कृष्ण काव्य तथा संत काव्य की विशेषताएं की है, वही विशेषताएं हरियाणा की भूमि से जुड़े हुए कवियों के काव्य की विशेषताएं रहेंगी, क्योंकि विचारधारा एक है, लगभग समय काल सबका एक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखकर भक्ति काव्य में हरियाणा के प्रमुख कवियों का योगदान, या अगर पूछा जाए कि भक्ति काव्य में हरियाणा के सूफी कवियों का योगदान, तो आप वहाँ पर विशेषताएँ सूफी काव्य की दे सकते हैं, लेकिन नाम वहाँ पर हरियाणा के प्रमुख कवियों का रहेगा। जिन कवियों ने भगवान की भक्ति करी है उन्होंने लगभग अपने विचारों को या तो कृष्ण से जोड़कर अभिव्यक्त किया है, या राम से, या सूफी या संत विचारधारा के रूप में उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि भक्ति काव्य में हरियाणा से जुड़े हुए प्रमुख कवियों के नाम क्या हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर 1 नवंबर 1966 ईस्वी वो समयकाल है जब हरियाणा अस्तित्व में आया। पंजाब से अलग राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया। हरियाणा प्रदेश का इतिहास सुदूर अतीत में पौराणिक युग तक हमें उपलब्ध होता है। ये इतिहास बहुत ही प्राचीन, समृद्ध, गौरवपूर्ण सांस्कृतिक संपदा को अपने आंचल में समेटे हुए हैं, और पवित्र प्रदेश हरियाणा अपनी विभिन्नताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस पवित्र प्रदेश को वैदिक संस्कृति का पालना भी कहा गया है। यानी वैदिक संस्कृति से पालने से क्या अभिप्राय है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ वैदिक संस्कृति का प्रारंभिक विकास हुआ है। हरियाणा प्रदेश की भूमि दर्शन और साहित्य की दृष्टि से सदा ही संपन्न रही है, जिसमें साहित्य सृजन के प्रथम प्रयास को भी देखा गया है, वो भी किससे जोड़कर, हरियाणा की भूमि से जोड़कर। विश्व के प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वो कौन सा है, ऋग्वेद माना गया है। तो ऋग्वेद का अगर पर्णयन देखें तो वो भी हरियाणा राज्य की पवित्र भूमि पर हुआ है। इसकी समृद्ध और गौरवशाली साहित्यिक परंपरा ऋग्वेद से शुरू हुई, और अन्य जो वेद, वेदांग, महाभारत, मार्कंडेय पुराण जो मिलता है, वामन, इन सब पुराणों, साथ ही सांख्य दर्शन, अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र, मनुस्मृति, कादंबरी, प्रियदर्शिका, तत्व संदेश शास्त्र और महापुराण तक चली आई है। कहने का भाव क्या है कि जो भी हिंदी साहित्य या भारत भूमि से जुड़े हुए प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन सब के बीज कहीं ना कहीं हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य सृजन में हरियाणा प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या अदा की है। अगर हम चिंतन और सृजन की इस धरती पर बात करें, पुष्पदंत, श्रीधर, सूरदास, कुछ अंश या कुछ भाग में अगर देखें गोस्वामी तुलसीदास भी, इसके साथ साथ गरीबदास जी, संतोख सिंह, निश्चल सिंह, हाली पानीपत, बालमुकुंद गुप्त, अहमद बख्श थानेश्री, विशंबरनाथ शर्मा, लक्ष्मीचंद, जयनाथ नलिन, विष्णु प्रभाकर, इंद्रा स्वपन, ब्रह्मदत्त वाग्मी, रतन चंद्र शमार, मदन गोपाल, मोहन चोपड़ा, छवि नाथ त्रिपाठी, पुरुषोत्तम दास निर्मल, सुगन चंद मुकेश, लीलाधर वियोगी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लीलाधर वियोगी, राकेश वत्स और स्वदेश दीपक, इन साहित्यकारों का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये वो प्रभुति, ऐसे धुरंधर साहित्यकार हरियाणा भूमि से जुड़े हुए हैं, जिनके योगदान के बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते।
अब जो विशेष रूप से जुड़े हुए कवि यहाँ पर हुए हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं संत सूरदास का, गरीबदास का, निश्चल दास, भाई संतोख सिंह, नीतानंद जी, जैतराम, इसके साथ साथ जो लक्ष्मीनंद हैं लक्ष्मी चंद हैं वो भी हरियाणा भूमि से जुड़े हुए हैं। इन संतों ने अपनी अमृत वाणी से हरियाणा की भूमि को सींचा और लोगों को धर्म प्रायणता एवं नैतिकता से जीवन जीने की प्रेरणा इन्होंने दी है। अतः हम कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में साहित्य रचना की परंपरा लगातार चली आ रही है, जिसमें हरियाणा का नाथ साहित्य, जैन साहित्य, संत काव्य, सूफी साहित्य और निर्गुण संतों की हिंदी भक्ति साहित्य को यही देन है। हरियाणा के हिंदी काव्य का अगर प्रारंभिक रूप यहाँ पर जो मिलता है उसमें जैन नाथ काव्य में का वो जैन और नाथ काव्य के रूप में मिलता है। मध्यकालीन भक्ति काव्य की बात करें तो यहाँ जो संत सूफी राम और कृष्ण काव्य परंपरा का अनुसरण भी इसी भूमि से जुड़ा हुआ है। अतः हरियाणवी भक्तिकालीन साहित्य का स्वरूप बहुत व्यापक है। हरियाणवी संतों ने भक्ति भावना के साथ साथ तत्कालीन समाज, धर्म व राजनीति के विविध संदर्भों को उठाकर अत्यंत ओजस्वी वाणी से साहित्य का सृजन किया है। देखिए यहाँ पर तत्कालीन समाज में जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, ज़्यादातर हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज में हम बात करते हैं नारी की स्थिति क्या थी, इसके साथ साथ समाज का वर्ग विभाजन कैसा था, पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग की जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं के प्रति जो इन विद्वानों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है, वो हम इनकी विशेषताओं में लिखते हैं। धार्मिक आडंबर जो उस समय चल रहे थे, जैसे मूर्ति पूजा है या बहु देव पूजा है, इस तरह के जो धार्मिक आडंबर चल रहे थे, उन आडंबरों में खासकर जो वो वर्ग जो समाज को इस आडंबर के रास्ते पर लेकर जा रहा था उसका भी इन्होंने विरोध किया है अपने काव्य के माध्यम से। तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक तंत्र की अव्यवस्था है, उस सब का भी अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में साहित्य में उसको स्थान दिया है। तो इस तरह से आप ये विशेषताएं डाल सकते हैं, क्योंकि इन संत कवियों ने न केवल, या यूं कहें कि इस काल के कवियों ने न केवल साहित्य की संरचना की थी बल्कि धार्मिक और सामाजिक चेतना से भी उसे अनुप्राणित किया, ताकि धर्म और समाज को सही व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्ति मिले, समाज को सही दिशा मिले, समाज में नारी की स्थिति में सुधार हो, समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सके और एक व्यवस्थित सुंदर राम राज्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार के विचार हरियाणा के कवियों ने भक्तिकालीन साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि जिस भी साहित्य, चाहे वो जैन है, नाथ है, संत है, सूफी है, राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, उन सब में आप हिंदी साहित्य युगीन जो कवि हुए हैं, जैसे संत काव्य में हम कबीर की बात कर सकते हैं, सूफी काव्य में जैसी के काव्य की विशेषताएं हैं, राम काव्य में तुलसीदास का नाम सबसे सर्वोपरि हैं, कृष्ण काव्य में अगर हम देखें तो सूरदास जी सबसे पहले आते हैं, तो इनके काव्य की विशेषताएँ तत्कालीन जो अलग अलग उससे धर्म या शाखा से जुड़े हुए कवि हुए हैं हरियाणा के, उन्होंने भी उसी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो आप इस प्रकार प्रश्न की भूमिका बनाएं और उसके बाद इन्हीं विचारधाराओं की अभिव्यक्ति आप अपने उत्तर के रूप में करें। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।